नमस्कार। कार्यक्रम मेरी कहानी मेरी जुबानी के आज के अंक में मैं नितिश अरोड़ा आप सबका स्वागत करता हूं। हर व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर नई ऊंचाइयों को छूना चाहता है और उसका प्रयत्न करता ही रहता है। पढ़ लिख कर रोजगार तलाश करना और स्वयं के लिए रोटी कपड़ा और मकान का जुगाड़ करना हमारा उद्देश्य भी रहता है और कर्तव्य भी। परंतु सरकारी नौकरियां सीमित ही रहती हैं और ऐसी बहुत सी नौकरियों में निरंतर आगे बढ़ते रहने के अवसर भी कम होते हैं। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा युवा राष्ट्र है, यानी भारत में युवाओं की जनसंख्या आज के दौर में किसी भी अन्य राष्ट्र से कहीं अधिक है और युवाओं में नई से नई ऊंचाइयों को छू लेने की असीम ऊर्जा होती है। आज भारत जीडीपी रैंकिंग्स में वैश्विक पटल पर 5वें स्थान पर पहुंच गया है और इसमें बहुत बड़ा हाथ युवाओं का भी है और उसमें योगदान रहा है केंद्र सरकार की अनगिनत ऐसी योजनाओं और नीतियों का। भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन उसके साथ साथ विश्व में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसका निर्माण भारत में नहीं हो रहा है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में युवा शक्ति को पहचाना और साथ ही साथ यह भी जानने की कोशिश की कि ऐसी कौन सी सुविधाएं हैं जिनको उपलब्ध करवा के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में युवाओं का चहुमुखी विकास हो पाए और वो भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के मार्ग पर अग्रसर कर दें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि युवा रोजगार पाने में सक्षम होने के साथ साथ रोजगार देने में भी सक्षम होने चाहिए। मेरी कहानी मेरी जुबानी में आज ऐसे ही दो युवाओं की कहानी आपको लिए चलते हैं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू व कश्मीर के इलाके सनासर में। विजय ठाकुर है, मैं एक किसान हूँ, मैं पंचायत अपर सनासर में रहता हूँ। विजय कुमार बता रहे हैं किस तरह से केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से उनकी जिंदगी में परिवर्तन आने शुरू हुए। जो भी सेंटर की तरफ से जो भी स्कीमें प्रधानमंत्री जी ने ऊपर से जनता के लिए लागू की हुई हैं, मैं आपको अपनी तरफ से बताऊंगा कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से मुझे काफी बेनिफिट दिया गया है। विजय कृषि पर निर्भर हैं और बहुत सी योजनाओं के सीधे बेनिफिट्स उन तक पहुंच रहे हैं। अभी इस समय मैं नया प्रोजेक्ट तैयार करने जा रहा हूँ, लेवेंडर की खेती करने जा रहा हूँ। मैंने कुछ दिन पहले इनको कहा था मुझे लेवेंडर का प्लांट दो, इन्होंने मुझे दिए। एनिमल हस्बेंड्री है, उनके पास गया तो मैं उन्होंने भी बात मेरी उनसे हुई तो उन्होंने मुझे एक यूनिट छोटा सा यूनिट गायों का दो गायों का दिया। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की बात करूँगा तो भी उनसे भी हमें सेब अनाशपाती वगैरह जो भी पेड़ पौधे जो दिए हमने लगाए हैं और उनका हम बेनिफिट ले रहे हैं। ये तो हुए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए मिले लाभ, लेकिन पीएम किसान योजना के तहत डायरेक्ट ट्रांसफर मनी का एक फायदा भी विजय जी को मिल रहा है जिसके जरिए इनको मौद्रिक लाभ भी मिल रहा है। पीएम किसान जो योजना है उसका हमें 6,000 का जो लाभ मिलता है वो टाइम टू टाइम हमें मिल रहा है। हम वक्त पे जब भी हमें जरूरत पड़ती है, हम अपने खेती बाड़ी के लिए खाद की जरूरत पड़ती है, सीड की जरूरत पड़ती है, हमें वो मिल रहा है। इसके साथ साथ किसान क्रेडिट कार्ड योजना के फायदे भी उठा रहे हैं विजय जी। KCC जो मेरा हमारा लोन है जो वो भी मेरा 50,000 का जो मुझे बेनिफिट मिला है वो टाइम टू टाइम मुझे दे देते हैं, मैं दे देता हूँ। लेन देन मेरा और बैंक के साथ बड़ा अच्छे तरीके से चल रहा है। जहाँ एक और इन प्रगतिशील योजनाओं से उनका कृषि का काम अच्छे से चल रहा है, वहाँ दूसरी ओर जीवन स्तर को उठाने के लिए भी ऐसी कई योजनाएं हैं जिनसे विजय जी लाभान्वित हो रहे हैं। केंद्र सरकार की स्कीम्स होलसम हैं ताकि लाभार्थियों का पूरा जीवन स्तर बेहतर हो सके, वो न केवल अपना स्वयं का जीवन सुधार पाए राष्ट्र की प्रगति में भी अपना योगदान दे सके। कहने को छोटी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है घर में शौचालय का निर्माण, जिसके लिए केंद्र सरकार लाभार्थी की आर्थिक मदद करती है। बाथरूम मेरा आज से 2 साल पहले का मैंने बना के रखा है, बाथरूम बना, फर्स्ट क्लास बना हुआ है। उसके लिए सर जो 12,000 की स्कीम थी, 12,000 तो क्या शायद 5-6,000 मैंने प्लस उसके ऊपर मैंने 20-25,000 से बाथरूम तैयार कर दिया। इतनी भी सुविधा बढ़ी है क्योंकि मुझे 12,000 गवर्नमेंट दे रही है तो 5-6,000 मैंने खुद लगा लिया, बहुत अच्छा। घर में शौचालय होने से घर की महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं और उन्हें शौच के लिए खेतों अथवा जंगलों का रुख नहीं करना पड़ता। दूरगामी प्रभाव ये है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र भी अब सुख सुविधाओं से संपूर्ण हो गए हैं, जिनके चलते बहुत बड़ी आबादी का गांव से शहर की ओर पलायन रुक गया है, जिससे शहरों पर आबादी का बोझ कम हुआ है तो शहरों और ग्रामीण इलाकों का सामूहिक विकास संभव हो पाया है। जम्मू में सनासर की निवासी विजय कुमार स्वयं एक लाभार्थी हैं और धन्यवाद कर रहे हैं सरकार की नीतियों का, जिससे वो स्वयं भी लाभान्वित हो रहे हैं और अन्य कई लोग भी। इस दौर में जो आज के दौर में सेंटर की जो सरकार है इससे बहुत अच्छे बेनिफिट मुझे तो क्या लोगों को भी मिल रहे हैं, आम लोगों को मिल रहे हैं।
और अब कहानी मीरा साहब जम्मू की निवासी रुचि रैना की। नमस्कार, मेरा नाम रुचि रैना है, मैं मीरन साहब जम्मू की निवासी हूँ। एक महिला उद्यमी जिन्होंने केंद्र सरकार की लाभकारी नीतियों का फायदा उठाते हुए स्वयं की जिंदगी को पटरी पर लाया, पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए एक सफल जीवन की परिभाषा लिख डाली। मैं MSc BEd हूँ। पहले मैं जॉब करती थी मगर कोविड के दौरान मेरी जॉब छूट गई। फिर मेरे पास कोई भी काम करने को नहीं था मगर मुझे बहुत दुख होता था कि मैं पढ़ी लिखी होकर भी कुछ काम नहीं कर रही हूँ। एक रोज मैं मन की बात सुन रही थी जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने वुमेन एम्पावरमेंट की बात की और कुछ स्कीम्स के बारे में बताया। फिर मैं KV के सोकॉस्ट जम्मू से जुड़ी विद द कोलैबोरेशन ऑफ इंडियन आर्मी, जहाँ से मुझे मशरूम की खेती करने की ट्रेनिंग दी गई। फिर मैंने उसी साल कुछ बैग्स लेके अपना काम स्टार्ट किया, बहुत अच्छा मुनाफा हुआ। अभी भी मैं मशरूम का काम कर रही हूँ। एक बार रुचि अपने पैरों पर खड़ी हो गई तो दूसरी स्टेज अपनी रफ्तार को तेज करने की होती है। इसके लिए रुचि ने स्टार्टअप इंडिया स्कीम की मदद ली। गवर्नमेंट की एक और स्कीम RKVY रफ्तार के बारे में सुना, जिसमें स्टार्टअप्स को 5 लाख तक की ग्रांट दी जाती है अपना काम स्टार्ट करने के लिए। मैंने वहाँ भी अप्लाई किया और अपना एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया वहाँ पे, फोर्टिफाइड कॉटेज चीज। आपको बता दें 16 जनवरी 2016 को प्रारंभ की गई स्टार्टअप इंडिया पहल ने उद्यमियों को सहायता देने, मजबूत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण उद्देश्य से कई कार्यक्रम आरंभ किए गए। यह कार्यक्रम स्टार्टअप इंडिया की समर्पित टीम द्वारा प्रबंधित किया जाता है जो उद्योग नीति और संवर्धन विभाग DPIIT को रिपोर्ट करता है। उद्यमियों के रूप में महिलाओं की बढ़ती उपस्थिति के कारण देश में महत्वपूर्ण व्यवसाय और आर्थिक विकास हुआ है। मेरा प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो चुका है और गवर्नमेंट की तरफ से 5 लाख तक की ग्रांट दी जा रही है, जिससे मैं अपना काम स्टार्ट कर सकती हूँ। देश में रोजगार के अवसर पैदा करके जनसांख्यिकी परिवर्तन लाकर और महिला संस्थापकों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करके महिलाओं के स्वामित्व वाले व्यवसाय उद्यम समाज में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। महिला उद्यमियों के सतत विकास को बढ़ावा देने की दृष्टि से स्टार्टअप इंडिया भारत में पहलों, योजनाओं, नेटवर्क और समुदायों को सक्षम बनाने और स्टार्टअप इकोसिस्टम में विविध हितधारकों के बीच भागीदारी को सक्रिय करने के माध्यम से महिला उद्यमिता को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। अब बहुत जल्दी मार्केट में मेरा प्रोडक्ट लॉन्च होगा, ये मेरा सपना पूरा होने जा रहा है। ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी की वजह से हो रहा है, जो हमारे लिए इतनी अच्छी स्कीम्स ला रहे हैं, हमें बहुत उससे लाभ मिल रहा है। बिजनेस करने में आसानी, पूंजी जुटाने में आसानी और स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए अनुपालन के बोझ को कम करने के लिए 2016 से नियामक सुधार शुरू किए गए हैं। मीरा साहब जम्मू की निवासी रुचि ने इच्छा शक्ति दिखाई और सरकार की प्रभावकारी योजनाओं का लाभ उठाकर आज स्वयं एक उद्यमी बनने की श्रेणी में पहुंच गई हैं, जिन्होंने न सिर्फ स्वयं की बेरोजगारी को दूर किया बल्कि अन्य युवाओं को भी रोजगार देने की स्थिति में पहुंच गई हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जो भी गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स आती हैं, आप उनके बारे में जानिए और पूरा पूरा लाभ उठाइए। केंद्र सरकार की ऐसी कई नीतियां हैं जिनसे लाभान्वित होकर आप भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प में अपना योगदान दे सकते हैं। हमारा योगदान यह रहेगा कि ऐसी सच्ची प्रेरणादायक कहानियों को भारत के कोने कोने से खोजकर आप तक पहुंचाते रहेंगे। क्या पता हमारी कल की मेरी कहानी मेरी जुबानी के नायक या नायिका आप ही हों। अपने होस्ट नीतीश अरोड़ा को दीजिए अनुमति, सुनते रहिए रोज शाम इसी समय इसी चैनल पर आकाशवाणी का कार्यक्रम मेरी कहानी मेरी जुबानी। मेरी कहानी।